एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक है आपकी क्लास 12th की, वो कवर अप किया था। दोज हु हैवंट वॉच दैट वीडियो, गो थ्रू दैट वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। टुडे आई विल बी कवरिंग चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। मेरा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें मोस्टली फैक्ट्स बताए गए हैं आपको। एंड सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था वो हमारा 1872 में कंडक्ट किया गया था, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है हमारा वो 1881 में पूरा कंप्लीट हो पाया था। चैप्टर इसमें आपको बताए गए हैं, बेसिकली फैक्ट्स बताए गए हैं, तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या मेन मेन चीज़ें हैं जो आपको लर्न रखनी है। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करें, जो हमारा फर्स्ट सेंसस था वो कंडक्ट किया गया था 1872 में, एंड फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ना जो हमारा हुआ था वो हमारा 1881 में हुआ था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। देन वी ना टॉक अबाउट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो अब इंडिया में आपको अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगी, कहीं पे पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी, कहीं पे कम मिलेगी। तो इसके क्या क्या रीजंस हैं और कौन कौन सी हमारी स्टेट्स आती हैं इसमें, तो अब हम वो देखेंगे। पॉपुलेशन की अगर बात करें, जो हमारा ये यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। एंड ऑन द अदर साइड इफ़ यू टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर और वी कैन टेक उत्तराखंड, तो ये सब स्टेट्स क्या हैं, ज्योग्राफिकली इनका एरिया बहुत ज़्यादा है बट यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दीज स्टेट्स। दीज आर द 4 मेन स्टेट्स ना वेयर पॉपुलेशन इज रिलेटिवली हाई। अब पॉपुलेशन विद रिलेटिवली हाई ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं हमारी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अब ऐसी कुछ स्टेट्स जहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कम है, इसमें कौन कौन से एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे आप जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, दैट अकाउंट्स फॉर 1.04% ओनली, ओके। एंड ना इफ यू टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 0.11%। एंड इफ यू टॉक अबाउट उत्तराखंड, 0.84% पॉपुलेशन लिव्स देयर। ऐसा क्यों है, इनका देखा जाए ज्योग्राफिकल एरिया तो बहुत ज़्यादा है बट पॉपुलेशन बहुत कम मिलती है। अब इनके कुछ फैक्टर्स हैं जो जो रिस्पॉन्सिबल है कि पॉपुलेशन क्यों डिफर करती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं आपके, फर्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सेकेंड वन कैन बी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, एंड थर्ड वन इज फिज़िकल फैक्टर्स। हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसमें फिज़िकल फैक्टर जो है वो हमारा इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है हमारा वो माउंटेन एरिया है, वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत वेरी करती है, तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है। सो हेयर यू कैन सी द पैराग्राफ दैट इज़ गिवन इन योर NCERT। यहाँ पे आपको दे रखा है कौन कौन सी स्टेट्स हैं, यहाँ से आप लर्न कर सकते हो इसको, एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस करे थे, दैट इज़ ना फिज़िकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, दैट इज़ गिवन हेयर। फिज़िकल फैक्टर्स में क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, क्या क्या आपका क्लाइमेट अलॉन्ग विद टेरेन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे होगी वहीं लोग रहना प्रेफर करेंगे। आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं नॉर्दर्न नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, डेल्टास का, कोस्टल प्लेन्स का, एंड हेयर ना गिवन सोशो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स का आपको बताया कि हाउ इट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। डेंसिटी, डेंसिटी इज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, डैट इज़ 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001। अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें, नाउ इट इज़ 384
पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये न्यू डाटा है, ये आपको लर्न रखना है। आपकी एनसीईआरटी में ये डाटा दे रखा है 324 किलो पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट्स विच हैव हाइएस्ट डेंसिटीज आर बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल इन नॉर्थ एंड केरल एंड तमिलनाडु इन द साउथ। यहाँ पे डेंसिटीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। एरियाज़ विच हैव मॉडरेट तो एरियाज़ विच हैव मॉडरेट डेंसिटीज आर असम, गुजरात एंड झारखंड। वेयर एज लो डेंसिटीज अगर हम बात करें तो हमारी जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इंडिया की वो आती हैं एंड हिल स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइज इन लोएस्ट डेंसिटी एंड ऑल द यूनियन टेरेटरीज हैज़ हाइएस्ट डेंसिटी एक्सेप्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।